हे गाइस, वेलकम बैक गाइस। आज मैं जिस टॉपिक को आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं उसका नाम है इकोनॉमिक टेरिटरी। इकोनॉमिक टेरिटरी नेशनल इनकम अकाउंटिंग चैप्टर के अंदर आता है जो क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक सब्जेक्ट में है। ऑलराइट, इकोनॉमिक टेरिटरी को मैं बड़े सिंपल शब्द में आपको समझाऊंगा, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब है वो एरिया जो मेरे पॉलिटिकल फ्रंटियर्स के अंदर आ रहा है। फर्स्ट पॉइंट, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स अगर हम और सिंपल तरीके से समझेंगे मतलब वो एरिया जो मेरे पॉलिटिकल मैप के अंदर आ रहा है, प्लस इसमें और चीजें आती हैं। अब वो और चीजें कौन कौन सी हो सकती हैं, देखिए पहला पॉइंट क्या था, वो एरिया जो मेरी पॉलिटिकल फ्रंटियर्स के अंदर आ रहा है प्लस जिसके अंदर तीन चीजें फ्रीली सर्कुलेट हो सके। फ्रीली पहली चीज क्या है, पर्संस, दूसरा क्या है, गुड्स, और तीसरा क्या है, कैपिटल। पीजीसी, पर्संस, गुड, कैपिटल। कोई भी इंडियन पर्सन, कोई भी इंडियन गुड, कोई भी इंडियन कैपिटल वर्ल्ड में जहां जहां पे जा रहा है वो इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी है। मैं दोबारा आपको समझाता हूं, इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब होता है पहला पॉइंट वो एरिया जो मेरे पॉलिटिकल फ्रंटियर्स के अंदर हो, प्लस तीन चीजें जहां पे फ्रीली सर्कुलेट कर सकती है, कौन सी, पीजीसी, पर्सन, गुड, कैपिटल। अब इसमें देखते हैं ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जहां पे इकोनॉमिक टेरिटरी एक घंटे की अप्लाई होती है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है पॉलिटिकल फ्रंटियर्स। ठीक है, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स मैंने आपको बता दिया, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स मतलब जहां जहां पे मेरी गवर्नमेंट का कंट्रोल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है, जो मेरे कंट्री का पॉलिटिकल मैप है, दैट इज अ पॉलिटिकल फ्रंटियर। वो पॉलिटिकल फ्रंटियर में मेरी इकोनॉमिक टेरिटरी है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की हम बात करें एम्बेसीज, यहां पे देखिए नीचे एम्बेसीज। अब एम्बेसीज की मैं बात करूं, आपको पता है हर देश की जो एम्बेसी होती है वो दूसरे देशों में लोकेटेड होती है। जैसे कि अगर इंडियन एम्बेसी की बात करूं, इंडियन एम्बेसी यूके, यूएस, चाइना, जापान, इटली, हर जगह है। तो वो जो इंडियन एम्बेसी है वो दुनिया के किसी भी कोने में होगी वो इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी मानी जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो इंडियन एम्बेसी है। इसी तरीके से सपोज करो इंडिया के अंदर चाइनीज एम्बेसी खुली हुई है, या फिर चाइनीज एम्बेसी अमेरिका में खुली हुई है, चाइनीज एम्बेसी इटली में खुली हुई है, तो चाइनीज एम्बेसी जहां जहां पे भी होगी वो चाइनीज एम्बेसी चाइना की इकोनॉमिक टेरिटरी मानी जाएगी। ठीक है, मेरा पहला पॉइंट आपको क्लियर है। मैंने आपको दो पॉइंट इसमें बताए, इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है, फर्स्ट वन पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, दूसरा एम्बेसीज। ठीक है, अब हम थर्ड पॉइंट को लेकर चलते हैं। थर्ड पॉइंट पे आप देखेंगे यहां पे शिपिंग वेसल्स। अब जब शिपिंग वेसल्स की हम बात करते हैं, आपने सुना होगा इंटरनेशनल वाटर्स होते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल वाटर्स मतलब जिस पे किसी भी देश का कंट्रोल नहीं होता, पैसिफिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है। ठीक है, यहां पे फिशिंग वेसल्स होते हैं और ऑयल रिग्स होती हैं जहां से कच्चा तेल निकाला जाता है। ठीक है, ये ऑयल रिग, सपोज करो इंडियन कंपनी की ऑयल रिग पैसिफिक ओशियन में लगी हुई है जो कि यहां से कई हजार किलोमीटर दूर है, तो वो जो इंडियन ऑयल कंपनी की जो ऑयल रिग है वो इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी मानी जाएगी, क्योंकि वो इंडिया के लिए काम कर रही है। वो दुनिया के किसी भी कोने में लगी हो बट वो इंडियन ऑयल की जो रिग है वो दैट इज अ इंडियन इकोनॉमिक टेरिटरी। इसी तरीके से हमारी कोई शिपिंग कंपनी है, उसने पैसिफिक ओशन में, इंडियन ओशन में, अटलांटिक ओशन में कहीं पर कुछ लगा रखा है, तो वो जो फिशिंग वेसल है वो इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी मानी जाएगी, किसी और देश की नहीं मानी जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बड़े सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। तो अभी तक हमने कितने पॉइंट डिस्कस करे हैं, सबसे पहले मैंने बात करी आपसे इकोनॉमिक टेरिटरी की, पहला पॉइंट क्या था, पॉलिटिकल फ्रंटियर, जो जो एरिया मेरे देश के पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंदर आ रहा है वो मेरी इकोनॉमिक टेरिटरी है, पॉलिटिकल मैप के अंदर आ रहा है वो मेरी इकोनॉमिक टेरिटरी है, फर्स्ट। सेकंड मैंने बताया था आपको एम्बेसी, कोई भी देश की एम्बेसी दुनिया के किसी भी कोने पे खुली हुई हो तो एम्बेसी हमारे अपने देश की इकोनॉमिक टेरिटरी मानी जाएगी, उस देश की नहीं मानी जाएगी जहां पे वो खुली हुई है। ठीक है, थर्ड मैंने आपको बताया था फिशिंग वेसल्स एंड ऑयल रिग्स, जहां जहां पे भी इंटरनेशनल वाटर में ऑयल रिग्स है, फिशिंग वेसल्स है, वो फिशिंग वेसल अपने ही देश की इकोनॉमिक टेरिटरी मानी जाएगी, चाहे वो इंटरनेशनल वाटर में कहीं पे भी काम कर रही हो। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट की बात मैं करता हूं, इसमें फोर्थ पॉइंट का मतलब ये है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कंसल्टेट्स। आपने सुना होगा पीस कीपिंग फोर्स होती है यूएन की अलग अलग जगह पे, तो सपोज करो इंडियन आर्मी की एक यूनिट
कॉन्गो में पोस्टेड है, जहां जहां पे यूएन ने अपने पीस कीपिंग मिशन रखे हैं वहां पे पोस्टेड है। तो वो इंडियन आर्मी की यूनिट हमेशा इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी मानी जाएगी, वो उस देश की नहीं मानी जाएगी जहां पे वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो ऑलराइट, ये चार पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। इन चारों पॉइंट में दो चीजें मेन रखनी है। सबसे पहले इकोनॉमिक टेरिटरी कौन सी होती है? इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब होता है वो टेरिटरी जो मेरे पॉलिटिकल फ्रंटियर्स के अंदर हो, प्लस जिसके अंदर चार चीजें आती हैं। चार चीजें कौन कौन सी आती हैं बताइए? सबसे पहले पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, ठीक है, एम्बेसीज, फिशिंग वेसल्स, ऑयल रिग्स, और चौथा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स। ये चार चीजें जहां जहां पे भी आती है वो अपने देश के इकोनॉमिक टेरिटरी मानी जाएगी। दूसरा पॉइंट सबसे ज्यादा आपने ध्यान रखना है कि इसके अंदर तीन चीजें फ्रीली सर्कुलेट कर सकती है। कौन कौन सी कर सकती है? मैंने स्टार्टिंग में बताया था पीजीसी, पीपल, गुड्स, कैपिटल। ये तीनों चीजें अगर एक देश की कहीं पे भी सर्कुलेट कर रही हैं तो वो चीजें उनसे कंसर्न वर्क उस देश की इकोनॉमिक टेरिटरी मानी जाएगी, ठीक है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, इस इकोनॉमिक टेरिटरी में जो जो भी प्रोडक्शन हो रही है उसको बोलते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब अगर इंडियन एम्बेसी अमेरिका में खुली हुई है, अमेरिका में लोकेटेड है, तो उस इंडियन एम्बेसी में जो भी काम हो रहा है वो इंडिया का डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो यहां के डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एड होगा। ऑल राइट, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। गाइस, ज्यादा से ज्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, ताकि मैं सारे के सारे वीडियोस आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर सकूं और आपके फ्रेंड्स को इजीली सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। ऑल राइट, आई विल सी यू बैक। बाय बाय, टेक केयर।